चाणक्य आईएएस अकादमी में हाउ टू क्रैक जेपीएससी पर निशुल्क सेमिनार 13 नवंबर को। किसी भी क्षेत्र में कामयाबी के लिए सही दिशा में नियमित परिश्रम जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक अभ्यर्थियों के लिए बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त करना है। चाणक्य आईएएस अकादमी निश्चित समय अंतराल में करियर गाइडेंस व सेमिनार के जरिए अभ्यर्थियों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता रहता है। इसी के मद्देनजर आगामी 13 नवंबर को हाउ टू क्रैक जेपीएससी विषय पर निःशुल्क सेमिनार का आयोजन चाणक्य आईएएस अकादमी के हजारीबाग शाखा में किया गया है, जिसकी शुरुआत संस्थान सभागार में ही संध्या 3 बजे से होगी। सेमिनार के मुख्य वक्ता चाणक्य आईएएस अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट और मोटिवेशनल स्पीकर विनय मिश्रा होंगे। हेलो एवरीवन, मैं अभिनव मिश्रा, चाणक्य आईएएस अकेडमी झारखंड हेड। चाणक्य आईएएस अकेडमी हजारीबाग ब्रांच में 13 नवंबर 3 बजे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फॉर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट यूपीएससी और जेपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल सेमिनार हो सकता है। सेमिनार के मेन स्पीकर्स विनय मिश्रा सर एंड रीमा मिश्रा मैम, साथ ही साथ 7th to 10th जेपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे, टॉपर्स स्टूडेंट्स। एंड ये सेमिनार हजारीबाग ब्रांच कौशल्या प्लाजा नियर बस स्टैंड ब्रांच में आयोजित किया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स ये सेमिनार को अटेंड करना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन एज सून एज पॉसिबल करा सकते हैं और इस सेमिनार का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लाभ उठाएं। चाणक्य आईएएस एकेडमी में लगातार सेमिनार होते रहता है, तो 13 तारीख को 3 बजे टाइमिंग है, जिसमें चाणक्य आईएएस एकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट विनय मिश्रा सर होंगे और जेपीएससी रैंक होल्डर है 2nd टॉपर विनोद कुमार जी, वो भी रहेंगे। हम लोग हर संडे को जेपीएससी का टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, उसमें बच्चे को अपना रैंकिंग पता चलता है, जो मेरा क्या स्ट्रेंथ है, क्या लेवल है, और वो चीज़ हम लोग जज करके सेम डे उनको देते हैं। और इसी तरह से कंटिन्यू आपका होते आ रहा है, हर संडे को निःशुल्क आपका सेमिनार भी है और निःशुल्क आपका जेपीएससी टेस्ट सीरीज भी हो रहा है। हाँ, बच्चे को जिस तरह से रैंक लाते हैं, जिससे 1st टॉपर हैं, 2nd टॉपर हैं, 3rd टॉपर हैं, तो उस हिसाब से उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है।